नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल CK शर्मा टेक पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन से जाति आय निवास के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो आज हम आय प्रमाण पत्र बनाना सीखेंगे घर बैठे। तो सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च बार पर टाइप करना है RTPS। जैसे ही आप RTPS सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का होम स्क्रीन आ जाएगा। इसमें आपको serviceonline.bihar.gov.in इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर आपको लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएँ, इसके नीचे आपको लिखा हुआ आएगा सामान्य प्रशासन विभाग, तो आपको सामान्य प्रशासन विभाग पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सामान्य प्रशासन विभाग पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कई सारा ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन, जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन, आय प्रमाण पत्र का निर्गमन। तो दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उसे आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम आय प्रमाण पत्र बनाना सीखेंगे। तो आपको आय प्रमाण पत्र का निर्गमन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसे तीन स्तर पर बनाया जाता है। पहला है अंचल स्तर पर, दूसरा है अनुमंडल स्तर पर, तीसरा है जिला स्तर पर। आप अगर अंचल स्तर पर बना चुके हैं तभी आप अनुमंडल स्तर पर बना सकते हैं। अगर आप अनुमंडल स्तर पर बना लिए हैं तो तभी आप जिला स्तर पर बना सकते हैं, यह नियम है। तो मैं अंचल स्तर पर बनाना चाहता हूँ, क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, पूछा जा रहा है आवेदक का विवरण। जिसका भी आप आवेदक या आवेदिका का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं आय के लिए, तो उसे आप लिंक सेलेक्ट कर लें। तो आप पुरुष या स्त्री जो भी हैं उसे आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अभिवादन में पूछा जा रहा है, तो अगर आप अभिवादन में कुछ देना चाह रहे हैं, स्त्री या कुछ भी नहीं, तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आवेदक या आवेदिका का हिंदी में नाम लिखना है। फिर यहाँ पे है नेम ऑफ फादर, आवेदक या आवेदिका का पिताजी का नाम लिखना है इंग्लिश में। उसके बाद आवेदक या आवेदिका का पिता का नाम हिंदी में लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आवेदक या आवेदिका का माँ का नाम इंग्लिश में लिखना है। उसके बाद आवेदक या आवेदिका का माँ का नाम हिंदी में लिखना है। अगर आवेदिका का शादी हो चुका है तो यहाँ पर उसका हस्बैंड का नाम लिखना है इंग्लिश में, यहाँ पर उसका पति का नाम हिंदी में लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आवेदक का मोबाइल फ़ोन नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पर आवेदक या आवेदिका का ईमेल आईडी देना है। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस फिलअप करना है, जो भी आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जिला सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर अनुमंडल सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर प्रखंड है। उसके बाद यहाँ पर आप किस स्तर पर इसे बनाना चाहते हैं, स्थानीय निकाय का प्रकार, तो आप जो जिस प्रकार में रहते हैं, जैसे ग्राम पंचायत या नगर निगम या नगर परिषद या नगर पंचायत, तो मैं जिसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ वो नगर पंचायत से, उसके लिए मैं नगर पंचायत सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रखंड बोल रहा है सेलेक्ट करने, तो प्रखंड सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर वार्ड नंबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप वार्ड संख्या जो भी है आपका वो फिल कर लें। उसके बाद यहाँ पर नगर पंचायत का नाम लिखना है। फिर यहाँ पर ग्राम, गाँव या मोहल्ला का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डाकघर का नाम लिखना है। इतना होने के बाद यहाँ पर आपको थाना का नाम लिखना है। फिर यहाँ पर नीचे आ जाना है, तो यहाँ फिर यहाँ ग्राम या मोहल्ला का नाम है, फिर यहाँ पर डाकघर, फिर यहाँ पर थाना, फिर यहाँ पर पिन कोड। उसके बाद यहाँ पर आधार संख्या देना है आवेदक या आवेदिका का। उसके बाद यहाँ पर फ़ोटो दे देना है। तो पहले मैं इसे ऊपर का फिल कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप आधार नंबर डालेंगे तो आपको यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, तो आप वेरीफाई कर लें। रजिस्टर्ड नंबर पर OTP आएगा, उस OTP को फिल कर लें। फिर यहाँ पर फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ आवेदक का। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर आवेदक का फ़ोटो दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको पैसा सेलेक्ट कर लेना है, आवेदक का जो भी पैसा हो उसे आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आवेदन का उद्देश्य क्या है, तो जो भी पर्पस हो वो लिख दें। एडमिशन के लिए तो फॉर एडमिशन लिख दें। सरकारी सेवा से क्या आया है, फिर कृषि से क्या आया है, ठीक है। तो अन्य आयों से स्रोत यहाँ पर देख सकते हैं, कुल आय शो कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर वार्षिक आय शो हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आई एग्री, तो आई एग्री पर टिक कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको वर्ड वेरिफिकेशन करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप यहाँ पर वर्ड वेरिफिकेशन कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है।
यहाँ पे बोला जा रहा है कृपया नाम की शुद्धता की जांच कर लें, मोबाइल नंबर ईमेल की शुद्धता की जांच कर लें। मैंने सभी जांच कर लिया, फिर ओके पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए आधार वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर्ड नंबर पर, उसे आप फिल कर लें। तो यहाँ पर आ चुका है, उसके बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट कर देना है। तो आधार वेरीफाइड हो चुका है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस दिखेगा बनने के बाद। तो यहाँ पर आप सारा चीज़ आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारा चीज़ चेक कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर कुछ गड़बड़ी हो तो यहाँ पर आप एडिट करके आप सही भी कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर इसको आप पीडीएफ में डाउनलोड कर लें फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करें, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद बैक हो जाना है, उसके बाद इसे आप क्लोज कर दें। दोस्तों फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको कुछ समय के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कुछ इस तरह का मैसेज आएगा। यहाँ पर देखिए आवेदन क्रमांक संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर आप आवेदन क्रमांक संख्या कॉपी करके आप आवेदन की स्थिति देखने पर क्लिक करके आप आवेदन की जांच कर सकते हैं कि वो कब निर्गत होगा। धन्यवाद।